सो यो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो ऑफ गुड लॉर्ड गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 5 बेस्ट मेल गोल्ड रॉयल्स कौन कौन से हैं गरीना फ्री फायर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, नंबर 5 पे आता है इंपीरियल कॉप्स बंडल। ये वाला गोल्ड रॉयल अभी थोड़े टाइम पहले ही आया था गेम में। ये वाले गोल्ड रॉयल के चारों पार्ट्स अच्छे हैं। इसका शर्ट भी अच्छा है, इसका कैप भी अच्छा है, इसका पैंट भी अच्छा है, इसका जो बूट्स भी अच्छा है, यानी कि बूट्स 50-50 है। किसी किसी को अच्छा लगेगा, किसी किसी को नहीं। मैं बताऊँ तो मेरे को 50-50 लगता है। अजीब से मुड़ा मुड़ा है, लेकिन लंबा है तो मेरे को अच्छा लगता है, रेन बूट्स टाइप लगता है। तो ये वाला बंडल नंबर 5 में आता है। मैं आपसे बस आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे को इस ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं नंबर फोर पे आता है टॉक्सिक क्लाइम बंडल। ये वाला गोल्ड रॉयल बंडल अभी करंट में ही चल रहा है। ये वाला नंबर 4 पे इसीलिए आता है क्योंकि ये रेयर नहीं है, हर बंदों ने निकाल लिया ये वाला गोल्ड रॉयल। हर किसी को ये बंडल बहुत ओपी लगा, क्योंकि इस बंडल ओपी है भी। इसका जैकेट बहुत ओपी है, इसका पैंट भी बहुत ओपी है, इधर साइड फुल है, इधर साइड हाफ है। इसके बूट्स भी बहुत ओपी है, इसका मास्क भी बढ़िया है, इसका टोपी भी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये बंडल कहीं से भी गोल्ड रॉयल का तो लगता नहीं है, ये लगता है किसी डायमंड रॉयल का बंडल हो। लेकिन गरीना वालों ने इसे गोल्ड रॉयल में दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बंडल नंबर 4 पे इसीलिए आता है क्योंकि ये रेयर नहीं है, अधिकतर हर बंदे ने निकाल लिया। तो चलिए चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आता है रग्बी लेजेंड बंडल। ये वाला बंडल दिखने में कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन इसका शर्ट बहुत ओपी दिखता है और इसकी पैंट्स भी ओपी दिखते हैं। यानी दिखने में ही है, लेकिन जब पहनते तब अजीब सा लगने लग जाता है। इसका शर्ट ऐसे उठा उठा है शोल्डर पे। तो ये रग्बी वाला बंडल है, रग्बी में वहाँ पे शोल्डर गार्ड लगाते हैं कि वहाँ शोल्डर पे बॉल लगेगी तो कुछ हो ना हो। बॉल नहीं, मतलब कि एक दूसरे ठोकाते हैं ना रग्बी में, तो इसलिए वहाँ शोल्डर गार्ड लगाते हैं। ये वाला बंडल इतना खास तो नहीं दिखता, लेकिन रेयर है, इसलिए नंबर 3 पे आता है। तो चलिए चलते हैं नंबर 2। गाइस, नंबर 2 पे आता है ये बास्केटबॉल वाला बंडल। ये वाला बंडल रग्बी वाले बंडल का एक सीजन पहले आया था गोल्ड रॉयल में, यानी रग्बी वाले बंडल के पहले आया था। ये वाले बंडल का हर चीज़ ओपी है, इसका शर्ट भी ओपी है, इसका पैंट तो बहुत ज़्यादा ओपी है, और इसका जूता भी बहुत ओपी है। ये वाले बंडल को आप पूरा पहनेंगे तो भी अच्छा है, या फिर इससे आप ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो और ज़्यादा ही अच्छा है। और ये वाला बंडल आप में से आपको कमेंट में आपको बताने की किस किस के पास है। मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था जब एक बार सब गोल्ड रॉयल एक साथ आया था वो मल्टी रॉयल में, लेकिन मैं तब नहीं निकाला क्योंकि मैं कंजूस था। मैं सोचा भाई 20,000 गोल्ड है भाई, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए निकाला नहीं। इसके कारण मैं पछता रहा हूँ, क्या करे। वैसे मैं उस वक्त खेलता था जब पहली बार आया था, लेकिन तब मैं नूब था, गोल्ड रॉयल वॉयल के बारे में जानता ही नहीं था। बताना आपके पास है कि नहीं कमेंट्स में। तो चलिए चलते टॉप 1 पे। सो गाइस, नंबर 1 पे आता है ये वाला बंडल। चलिए जोक्स अपार्ट रख के टॉप 1 पे चलते हैं। तो टॉप 1 पे आता है ब्रेक डांसर बंडल, वन एंड ओनली ब्रेक डांसर बंडल, जो कि गेम का एक बहुत रेयर गोल्ड रॉयल है। फर्स्ट वाले के थोड़े टाइम बाद आया था वो। उस बंडल का हर चीज ओपी है, सिवाय उसके जूतों को छोड़ के। उसका जूता कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बाकी उसका बाल आप ले लो, उसका शर्ट ले लो, उसका पैंट ले लो, सब ओपी है। और ये वाला बंडल इतनी बार रिटर्न्स में आ चुका है तो भी अभी तक वो बंडल रेयर बना हुआ है। अगर एक और बार रिटर्न में आ गया फिर शायद इसकी रेयरिटी और थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वही है टॉप 1 पे। तो चलिए बाय बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.